इस किस्म की आमिर जमाल की फॉर्म लगी हुई है, जितना वो एनर्जेटिक है और वो चाहता है कि परफॉर्म करे, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो। और बैटिंग में तो हमने देखा भी है माजी में ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट पे, जहां पर हमारे बड़े बड़े पुराने जितने भी प्लेयर्स हैं वो वहां स्ट्रगल करते थे, दुनिया के जितने भी बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिस तरह से आमिर जमाल ने वहां इनिंग्स खेली थी, ऑब्वियसली वो उनको कॉन्फिडेंस वहां मिला होगा कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ और मैं मजीद बैटिंग को अपने बैटिंग में काम करूं ताकि आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकूं एज अ बैटिंग के तौर पे। बॉलर तो आप खेल ही रहे हो। अब T20 में आज की इनिंग्स हमने पहले भी देखा है, जब जब उनको खिलाया तो एक आध दो छक्के उन्होंने जरूर मारे, एबिलिटी तो है उनके पास बिग हिट्स मारने की। तो आज भी जो भी छक्के उन्होंने मारे है ना शाजी, वो पूरे पूरे छक्के मारे, ये नहीं कि उन्होंने छोटी बाउंड्री को पिक किया था कि यार ज्यादातर मैंने छोटी बाउंड्री, आज मेजोरिटी जो छक्के लगे ना वो छोटी बाउंड्री पे छक्के लगे हैं, जो 67-68 यार्ड की बाउंड्री थी, जो आपकी वाइडिश मिड विकेट से लेके और डीप एंड डीप स्क्वायर लेग की तरफ की जो बाउंड्री थी ना वो आपकी इतने यार्ड की थी, और जो काउ कॉर्नर जिसको आप कहते हैं वो 71 यार्ड का था, तो सबसे बड़ा था वहां पर। तो मेजोरिटी जो छक्के लगे आपके उन एरिया में लगे, और एक चीज उनको आइडिया होगा कि उनके स्लॉटिंग एरियाज में कोई भी अगर बॉल उनको मिलेगी तो वो उसको हेट करेंगे, तो यही सबसे अच्छी चीज है। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आने वाली जितनी भी सीरीजेस हैं, अभी जो न्यूजीलैंड की टीम जब यह आएगी और यहाँ पिंडी में ही उनका मैच होगा, लाहौर में भी मैच होगा, तो आई एम श्योर कि आमिर जमाल को चांस देना चाहिए। और ऐसे ऑलराउंडर अब आपके पास प्लेटफॉर्म में आ गया है, तो अब आप इसको खोए नहीं, इसको मजीद इसको काम करें, इसको तराशें, जिस तरह से आप डायमंड को तराशते, तो ये एक ऐसा डायमंड है हमारे पास, इसको बहुत बैलेंस लेके हमें खिलाना पड़ेगा। तो अब क्योंकि टेस्ट सीरीज तो बहुत अरसे के बाद है, तो ये आमिर जमाल ऐसा है कि आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर कैटेगरी का बंदा है जो निडर होके छक्के भी मारता है और अपनी बैटिंग एंजॉय करता है। जी बिल्कुल, इससे पहले ये खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद नॉर्दर्न की नुमाइंदगी की, सेकंड 11 फर्स्ट 11। और मैं एक बंदे को बहुत ज्यादा यहाँ क्रेडिट देना चाहता हूँ, और वो बंदा है मोहम्मद वसीम। बहुत ज्यादा बात करनी होगी मोहम्मद वसीम की, आमिर जमाल को जब पिक किया जा रहा था, जब उन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया, उसके पहले सेकंड 11 में परफॉर्म किया, तो बड़ी बातें हो रही थी कि पिक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम। और आपको याद होगा जो इनका डेब्यू था T20 इंटरनेशनल में, उनमें आखिरी ओवर करा दिया गया था, एकदम मुईन अली बैटिंग कर रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और हाँ, ये ठीक है कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उनसे इस दफा इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, अलबत्त जो अभी हाल ही में बांग्लादेश ये गए थे तो वहां पे भी उन्होंने 5 पर हासिल किया था। तो मोहम्मद वसीम ने इन पे बड़ा काम किया, और इनका जरूर क्रेडिट हम इनको देंगे कि मोहम्मद वसीम की इस पे सपोर्ट। बाकी भी जैसी बात है, रावलपिंडी के जो कोचेस रहे, नॉर्दर्न की टीम के साथ रहे, तो एक अच्छे प्लेयर के तौर पर हमें आमिर जमाल मिले हैं।